नेशनल स्पोर्ट्स डे पर फिट इंडिया मूवमेंट के लॉन्चिंग के अवसर पर गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। संवाद भवन में आयोजित इंडिया मूवमेंट की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रतिकुलपति हरिशरण, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. केशव सिंह एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर रविशंकर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव टेलीकास्ट का जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, वैसे ही छात्र छात्राओं में उत्साह भर गया। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत देश भर में परंपरागत रूप से खेले जाने वाले खेलों के वीडियो क्लिप को दिखाकर आरंभ किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। 29 गुरुवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 114वीं जयंती पर पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट जैसा पहल लॉन्च करने के लिए हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मैं खेल मंत्रालय और युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट का आह्वान को आत्मसात विश्वविद्यालय करेगा। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह, प्रतिकुलपति हरिशरण, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. केशव सिंह एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर रविशंकर सिंह सहित सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फिट इंडिया मूवमेंट के लाइव प्रसारण के उपरांत गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, और सोशल मीडिया पे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और वेरी वेरी वार्म वेलकम। पूरा भारत देश का और खास करके युवाओं के दिलों के धड़कन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में मौजूद ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह, कोने कोने से जो फिटनेस आइकन है अलग अलग क्षेत्र में, और आज ही के दिन खेल दिवस के अवसर पर जिनको हम खेल और एडवेंचर के जो अवार्ड देने वाले हैं, और जो ये कहना चाहता हूं कि आज के 2000 साल के संस्कार मेरे हर एक प्रांत की विविधता जो तुम्हें रखती है जीवंत और सहज, मेरा गौरवशाली इतिहास वो जड़ी है जिससे बल पाकर तुम ऊपर उठते हो, जो तुम्हें याद दिलाता है विश्व गुरु होने की, जिसका हर सुनहरा अध्याय तुम्हें प्रेरणा देता है, राम प्रताप का बल, चाणक्य की चतुराई और बुद्ध की शांति सब मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा है। ये मेरा वो रूप है जो तुम रचते आ रहे हो, इतिहास की नदियों से सींच कर अपने तन मन को तुम्हारे ही हाथों से निखारी गई ऐसी मूरत जो तुम्हें अपनी जैसी लगती है। मैं भारत हूं, खुशहाल, सशक्त और फिट। मेरी सुबह शंखनाद से होती है जिससे कई बीमारियों का नाश होता है, और इसी मीठी ध्वनि से पूरे जग में प्रकाश होता है। शरीर के माध्यम से उतरते हो अपने मन के सागर में, तुम
इंद्रियों को काबू करने की कला है, चीजें सी होती है। मेरे खेलों से कहां के मैदान खेल ले, मजबूत दिल की तान है, पांच सा सांस है। ऊंचाइयों को छूना सादगी बढ़ाती है, शरीर और मन का संतुलन। कोई ना कोई मैसेज था, परंपरा
सहज रूप से हम अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, रख सकते हैं, बहुत उत्तम तरीके से इन चीजों को प्रस्तुत किया और ये चीजें इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत हुई हैं कि मुझे मेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं लगती। यहां प्रस्तुति में जितनी बातें बताई गई हैं उसी को अगर हम गांठ बांध लें और एकाध दो को जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं नहीं मानता हूं कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उत्तम कार्य रचना के लिए, इस उत्तम प्रकार के प्रस्तुति के लिए जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया होगा, जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए ताकि सहज रूप से बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दी। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। उनका जीता हुआ मेडल, उनके ताप और तपस्या का परिणाम तो है ही, ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी बीमारी के बाद परहेज से हमने ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी है, उसको श्रेष्ठ माना। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, व्यायाम
साधनम, यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है, फिर अचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है? साथियों, जरूरत है और आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई। समय कैसे बदला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है? टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप चले, अभी 5,000 स्टेप नहीं हुए, 2,000 स्टेप नहीं हुए और हम मोबाइल देख रहे हैं। यहां मौजूद आप से कितने लोग ये 5,000-10,000 स्टेप वाला काम करते हैं? कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पे ऐप डाल के रखी होगी, मोबाइल को चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टेप हुए। साथियों, आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इनमें से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं। और आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्टेटमेंट हो जाती है और इसलिए फिटनेस की जरा बात करना दोस्तों। मैं भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं, आवश्यकता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डाइटिंग की चर्चा करते हैं। महीने में कम से कम 10 दिन आपको अनुभव होता होगा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं और बड़े मजे से डाइटिंग को
पर बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। ध्यान में रहता है कि कोई नया गैजेट होगा तो मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी जाते नहीं है। अब कुछ दिन बाद वो सामान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिया जाता है। ये लोग मोबाइल पर फिटनेस वाले ऐप भी डाउनलोड करने और सबसे आगे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं है। यानी ठाक के दिन बाद मेरा जन्म गुजरात में हुआ। हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिंद्र भाई दवे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हास्य लेखक थे, व्यंग लिखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे और ज्यादातर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे। अच्छा उनका शरीर का वो वर्णन करते थे, वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूं, दीवार के पास खड़ा हूं तो लोगों को लगता था कि हैंगर पर कुछ कपड़े टिंगे हुए हैं। वो इतने दुबले थे ऐसा लगता था कि जब हैंगर पर कपड़े टिंगे हैं तो मानने को तैयार नहीं होता था कि मैं कोई इंसान वहां खड़ा हूं। फिर वो लिखते थे कि मैं घर से निकलता हूं तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूं। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते हैं तो लोग मुझे मानते थे शायद मैं हिंसा कर बैठूंगा, मार दूंगा। तो लोग मुझे पूछते थे पत्थर लेके क्यों चलते इतने सारे, तो ज्यादा मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाओ। ऐसी मेरी वगैरह चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा कि पत्थर पत्थर लेकर के घूमने के बजाय आप थोड़ा जरा व्यायाम करते रहिए, व्यायामशाला में जाइए। तो उन्होंने उस सज्जन को पूछा कि कितना व्यायाम करना चाहिए। बोले बस पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले व्यायामशाला में जाओ, पसीना हो जाए उतना करिए। तो बोले ठीक है कब से जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायामशाला पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे थे। बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसीना छूट गया। तो मुझे लगा कि मेरी एक्सरसाइज हो गई। यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया है। इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच में उम्मीद की किरण की बात कैसे कर रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफ स्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके
उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है, और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए, ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले भी परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है, पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है, यानी 2030 तक चाइना हर नागरिक तंदुरुस्त हो इसके उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है कुछ करना धरना नहीं उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5,00,000 नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1,000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फैट, फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए, अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न असीमित है। यहां मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, मेरा उनको विशेष आग्रह है कि देश के हर गांव में, देश के हर पंचायत में, देश के हर स्कूल में ये अभियान पहुंचना चाहिए। ये अभियान सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपालिका हो, पंचायत हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, फिटनेस के संबंध में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा देश, हर परिवार इस पर बल दे। अभी हमने कार्यक्रम में देखा, हमारे यहां फिटनेस के साथ वीरता का भी महत्व है, लेकिन
की गाड़ी डिरेल कर दी है। जैसे कभी हमारे यहां जो 60-70-80 साल के लोग तो उम्र उनके लोग होंगे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तब तलवार का तब पढ़ाया जाता था, दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए। अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना उस समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, मैं आज फिट इंडिया मूवमेंट पे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा सुने गए उद्बोधन से हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्र, सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक वर्ग, अन्य नागरिक गण बहुत प्रेरित हुए हैं। और प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए, उससे जुड़े हुए योगासन के लिए ये देश प्रसिद्ध रहा है। और विगत कुछ वर्षों में भारतीय योग को एक वैश्विक पहचान मिली है। उसी कड़ी में एक नया उद्बोधन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, राष्ट्र को सचेत किया गया है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा। हमारा देश जो कि युवाओं का देश है, 65% से ज़्यादा युवा वर्ग हैं और उनको ही इस देश को अगली शताब्दी तक ले जाना है, अगले दशकों में उनको देश को आगे बढ़ाना है और विश्व के टॉप 20-10 कंट्रीज़ में अगर पहुंचना है तो बहुत ही आवश्यक है कि हमारा हर युवा स्वस्थ हो, फिट हो। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः प्रधानमंत्री जी की दिए गए उद्बोधन का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और जो उन्होंने वाइब्रेंसी युवाओं में प्रस्तुत की है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे काम करता रहेगा और हम अपने विश्वविद्यालय में भी देखेंगे कि फिट इंडिया के तहत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए और एक फिटनेस सेंटर भी बनाने का हमारा प्लान है विश्वविद्यालय प्रांगण में, उस पर भी कार्रवाई चल रही है जिसमें जिम से लेकर अन्य व्यवस्थाएँ की जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।